प्रोफेशनल वाले मुद्दे पर सब लोग एकजुट हुए, सब ने मिलकर संघर्ष किया, तो हम लोग उसको भी रोल बैक करवा पाए। इससे एक तो बात साफ निकलती है कि हम चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, क्या हम लोग कॉमन मुद्दों पर एकजुट होकर अपने समाज की लड़ाई को नहीं लड़ सकते? क्या हम अपनी पार्टियों में बैठ के भी अपने समाज की न्याय की आवाज को नहीं उठा सकते? कोई कहता जी टिकट काट देंगे, भाई किस किस का काटेंगे? जिसको भी टिकट दें उसी को न्याय की आवाज को उठाना चाहिए। जब हर कोई जो भी आएगा वही बोलेगा तो मुझे नहीं लगता फिर किसी को टिकट कटने की चिंता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उस टीवी चैनल वाले को कहा था जो ये कह रहा था कि बोलोगे तो आप खत्म हो जाओगे, आपका टिकट कट जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, तो मैंने कहा था अगर नहीं बोलेंगे तो फिर किसी भी लायक नहीं रहेंगे, पूरा समाज धोखेगा हमारे ऊपर। क्योंकि हम लोग जो लोग आज मंत्री बने बैठे हैं या कोई सांसद या एमएलए बना बैठा है तो वो ये बात भूल जाए कि वो अपनी अपनी ताकत से बन के आया है, वो भूल जाए कि वो अपनी काबिलियत से बन के आया है। अगर ये रिजर्वेशन ना होता तो एमपी एमएलए मंत्री बनने तो दूर की बात है, कोई गांव का प्रधान ना बनने दे। दिल्ली के अंदर दिल्ली बार काउंसिल है जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं वकील बनने से पहले, फिर वकालत का लाइसेंस मिलता है। भानु प्रताप जी मेरे मित्र हैं और हम लोग शुरू से संघर्ष में साथ रहे। समता सैनिक दल में हमने बाबा साहेब की सेना में वर्दी पहन के काम किया, मानवर कांसीराम साहब के साथ वॉल राइटिंग की, रात रात कहां कहां नहीं घूमे। तो उस संघर्ष से मैं एक बात तो कह सकता हूं कि बार काउंसिल में 25 लोग हैं हमारे यहां, दिल्ली बार काउंसिल में 25 लोग हैं। चूंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं है, आज तक का इतिहास है एक भी स्लोकास्ट बार काउंसिल का चुनाव नहीं जीत पाया। यह मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी काबिलियत से मंत्री बनाऊं, एमएलए बनाऊं, एमपी बनाऊं, 25 में एक आदमी नहीं जीता पा रहे हम, जबकि कम से कम 8-10 हजार वकील तो हमारे लोग होंगे, एक नहीं जीता पाए आज तक। यानी यह सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर यह रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो शायद एक एमएलए बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए कि वी आर रिप्रेजेंटिंग टू द सोसाइटी इन द असेंबली और इन द लोकसभा, और वहां हम रिप्रेजेंट करने की बजाय हमारे समाज के हक और अधिकारों का कत्ल होता रहे, या वहां संसद में ऐसे विधेयक पास हो जाएं, ऐसे बिल पास हो जाएं जो हमारे समाज का नुकसान करते हों और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहां सांसद बन के चुप बैठे रहें, ऐसे बने रहने से तो मर जाना बेहतर है। ऐसे मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं कि आप उसी कैबिनेट में हो।